हमारे आसपास के लोगों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए संगति हमेशा ऐसी हो जो हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करे, जिनकी आदतें, जिनकी बातों से हम सीख पाएं, ऐसी संगति को कहते हैं सत्संग। हेलो एवरीवन, आई एम राधिका। आई एम सो एक्साइटेड दैट यू हैव मेड इट अप अंटिल नाउ। सो लेट अस बिगिन। आज हम एक फुल बॉडी फ्लो करेंगे। सो गेट ऑन योर मैट, हैव सम वाटर इफ यू नीड इट, एंड लेट अस बिगिन। तो आज हम मैट के ऊपर की ओर स्टार्ट करेंगे। पैरों से ग्राउंड डाउन करेंगे ताकि पूरा पैर आपको मैट पर महसूस हो अपना। द सोल्स ऑफ योर फीट एंड योर टोज, योर हील्स शुड बी फर्मली प्लांटेड ऑन द मैट। Bring your hands in front of your heart center. एक गहरी सांस अंदर लेंगे। Exhale. Inhale के साथ हाथों को ऊपर raise करेंगे। Stretch. Experience the stretch in your armpits. Now grab your left wrist with your right hand. हम right की तरफ bend करेंगे. Experience a stretch in your left side body. Center में आ जाएं. Stretch once more. अब right हाथ की कलाई को left hand से पकड़ेंगे और left की ओर bend होंगे. Inhale, exhale, inhale, exhale, come back to center, stretch, exhale, forward fold लेंगे। So bring your hands to the mat. आप घुटनों में bend रख सकते हैं। शुरू में फॉरवर्ड फोल्ड करना मुश्किल होता है, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ द क्लास। सो कीप अ बेंड इन द नीज। नाउ कम टू अर्धा उत्तनासन टेबल टॉप। हाथों को पीछे की ओर क्लास्प करेंगे और चेस्ट को खोलेंगे। अब राइट नी को बेंड करिए। कम ऑन टू द टोज ऑफ द राइट फुट। फील अ नाइस स्ट्रेच। तो यहां पर आपको अपने लेफ्ट पैर में स्ट्रेच महसूस होगा। रिलीज द राइट फुट एंड बेंड द लेफ्ट नी, कमिंग ऑन टू द टोज ऑफ द लेफ्ट फुट। एक्सपीरियंस अ स्ट्रेच नाउ इन योर राइट लेग। वेरी नाइस। Exhale, forward fold once more. हाथों को मैट पर लाएंगे। Step back into फलकासन और plank. हम plank में 3 breaths लेंगे। Push away from the mat. Make sure that your back is not rounded. पीठ को, spine को सीधा रखेंगे। I know it can be challenging. अगर बॉडी शेक कर रही है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, डोंट वरी अबाउट इट। इनहेल, एक्सहेल के साथ घुटनों को मैट पर लाएंगे एंड सिट बैक इन चाइल्ड्स पोज। घुटने साथ में हैं, हाथों को साइड में ले आइए। फोरहेड कम्स टू मैट, चाइल्ड्स। Inhale, and exhale. Very nice. Come back on your hands and knees. और यहां से अपने toes को tuck करेंगे और
डाउनवर्ड फेसिंग डॉग लेंगे, इन्वर्टेड वी शेप विद द बॉडी, वॉक आउट योर फीट हियर फ्रेंड्स। बेंड वन नी एट अ टाइम। और अब हम हाथों की तरफ वॉक करेंगे। कमिंग टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द मैट, पैरों के बीच में डिस्टेंस है। ऑपोजिट एल्बो को ऑपोजिट हैंड से क्लास्प करेंगे एंड लेट अस मूव फ्रॉम साइड टू साइड। रोलिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। आपको अपनी नेवल से ट्विस्ट करना है, एक साइड फिर दूसरी साइड। एक्सपीरियंस अ वेरी ब्यूटिफुल रिलैक्सेशन हियर इन दिस पोज। वेरी नाइस। रिलीज। पैरों को थोड़ा सा पास में ले आए एक दूसरे के, दे शुड बी जस्ट हिप विड्थ अपार्ट। और यहां से हम चेयर पोज में जाएंगे, ट्रांजिशन करेंगे। सो इनहेल, रेज योर आर्म्स एंड सिट बैक लाइक यू सिट इन अ चेयर। पर यहां पे आपको ध्यान देना है कि आपके घुटने टोज से आगे नहीं जाने चाहिए। अगर आपको यहां पर बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, कीप योर फीट टुगेदर एंड योर नीज टुगेदर एंड देन टेक उत्कटासन, चेयर पोज। Inhale, exhale, वापस ऊपर आ जाएं, हाथ प्रेयर पोज में आएंगे। अगली इनहेल के साथ अपने घुटने को, राइट घुटने को ऊपर उठा लें एंड देन मेक सर्कल्स विद योर राइट फुट। रिवर्स द सर्कल। दृष्टि को अपने सामने फिक्स्ड रखिए टू फाइंड बैलेंस। वेरी नाइस। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को राइट घुटने के बाहर लाएंगे और राइट हाथ को पीछे की ओर खोलने की कोशिश करेंगे। ये देखने में चैलेंजिंग लगता है, जस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर आप गिर जाएं या पोज से बाहर आ जाएं, नो प्रॉब्लम, ट्राई अगेन। Come back to center and release. Very nice. Same चीज दूसरी साइड करेंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर लाएंगे, लेफ्ट घुटने को अंदर की ओर और पैर से सर्कल्स बनाएंगे, रोटेटिंग the ankle one side and then the other. अब राइट हाथ को लेफ्ट घुटने के बाहर लाइए और लेफ्ट हाथ को पीछे की ओर खोल लीजिए। टेक अ ट्विस्ट, स्टे फोकस्ड। कम बैक टू सेंटर, रिलीज। इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल, फॉरवर्ड फोल्ड, उत्तनासन। इनहेल, अर्धा उत्तनासन। एक्सहेल, स्टेप बैक, घुटनों को मैट पर लाएंगे और धीरे धीरे अपनी बेली पर आएंगे। तो जैसे हम पुशअप लेते हैं उस तरह से नीचे जाएंगे। एल्बोज को अंदर की ओर टक्ड इन रखिए, अपनी ओर टक्ड इन रखिए, बाहर मत जाने दीजिए। एंड कम ऑन योर स्टमक एवरीवन। अब यहाँ पे हम अपने हाथों को आगे की ओर उठाएंगे एंड वी विल आल्सो रेज द चेस्ट।
तो आपको अपनी बैक पर स्ट्रेस महसूस होगा. दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. यू बिल्डिंग स्ट्रेंथ. रिलीज. माथे को मैट पर ले आए. एक बार फिर से करेंगे. हाथों को आगे की ओर रेस करेंगे. चेस्ट को उठाएंगे और इस बार पैरों को पीछे की ओर उठाइए. एंड ब्रीद. लोकस्ट पोज. रिलीज. गहरी सांस अंदर. एक्सहेल. अब अपने राइट घुटने को बेंड करेंगे और अपने राइट हाथ से राइट एंकल को पकड़ेंगे. लेफ्ट घुटने को बेंड करेंगे और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट एंकल को पकड़ेंगे. जस्ट स्टे हियर एंड ब्रीद. पैरों को अपनी ओर पुल करिए. फील द स्ट्रेच. अब अगर पॉसिबल है तो हम अपने थाइस को और चेस्ट को मैट से ऊपर उठाएंगे धनुरासन में. बो पोज. दृष्टि सामने की ओर रहेगी. एंड रिलीज. टेक अ रेस्ट. Now come into your hands and knees pose. अब आपको ये बहुत अच्छे से आता है करना. Now let us extend the right leg behind us. और left हाथ आगे की ओर extend होगा. 50-50 plank. दृष्टि सामने की ओर रहेगी. ब्रीद. पेट अंदर की ओर पुल्ड इन रहेगा. एंड रिलीज. वेरी नाइस. अब लेफ्ट पैर को पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे. राइट हाथ को आगे की ओर. कीप सकिंग इन योर बेली. हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी पीठ पर स्ट्रेस ना आए. रिलीज. घुटनों को मैट डिस्टेंस अपार्ट खोलेंगे. एंड सिट बैक इन अधोमुख वीरासन. फोरहेड कम्स टू द मैट. थ्री डीप इनहेलेशंस एंड एक्सहेलेशंस हियर माय फ्रेंड्स. Very nice. अब अपने घुटनों पर आ जाएं. We will come up. और हम कैमल पोज के लिए प्रिपेयर करेंगे. तो हाथों को अपनी पीठ पर ले आइए मिडिल बैक पर. एंड वी विल टेक अ जेंटल बैक बेंड फर्स्ट. बिना प्रेशर डाले पीछे की ओर बेंड होएंगे जितना कंफर्टेबली आप जा सकते. वेरी नाइस. कम बैक टू सेंटर. अब घुटनों के बीच में हिप विड्थ डिस्टेंस रखिए और हाथों को एक बार फिर से मिडिल बैक पर ले आइए. एंड टेक अ बैक बेंड अगेन. दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी. नाउ इफ यू फील कंफर्टेबल अपने राइट हैंड को
राइट हील पर लेकर आइए, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हील पर लेकर आइए एंड वी विल टेक उस्त्रासन कैमल पोज। अगर हो सके तो अपने नेक को रिलीज करिए, नेक को पीछे की ओर ढीला छोड़ दीजिए। पोज से बाहर आने के लिए राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर ले आए, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पर ले आए एंड देन सिट बैक ऑन योर हील्स। ओपन द नीज मैट डिस्टेंस अपार्ट। अधोमुख वीरासन। तीन गहरी सांसें लेंगे यहां पर। वापस ऊपर आ जाइए, पैरों को एक साइड पे करेंगे और फिर सामने की ओर खोलेंगे। अब यहां पर अपने राइट पैर को लेफ्ट थाई के अंदर लेकर आइए। जो आपकी एड़ी है वो पेल्विस के एकदम पास में है, राइट घुटना सामने की ओर खुला हुआ है। इनहेल के साथ हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एक्सेल के साथ फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे लेफ्ट पैर की तरफ, जानू शीर्षासन में। अब यहां पर अपनी पीठ को इलोंगेट करते रहिए, इलोंगेट द स्पाइन। चाहे तो आप स्ट्रैप भी यूज कर सकते हैं अपने लेफ्ट पैर के अराउंड, अगर आपको पैर पकड़ने में प्रॉब्लम होती है तो। सो यू कैन यूज द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रैप, नो प्रॉब्लम। Breathe, my friends, very important. Inhale, हाथों को ऊपर ले जाएंगे एक बार फिर। Exhale, release. Right पैर को आगे की ओर ले जाइए और left पैर अंदर आएगा राइट थाई के अंदर। इनहेल रेज योर आर्म्स, एक्सहेल फॉरवर्ड फोल्ड। ब्रीथ। Inhale, raise your arms up once more, stretch. Exhale, release. पैरों को ढीला छोड़ दें। अब हम बोट पोज लेंगे, नवासन। तो पैरों को ऊपर की ओर ले आए, आप बैलेंस कर रहे हैं अपने हिप्स और टेलबोन के बीच में। दैट इज द प्लेस वेयर यू आर बैलेंसिंग। Now you can stay here and practice. हाथों को पैरों के साइड में लाकर आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। Important thing is पेट को अंदर की ओर रखना है, बैक पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। अगर बैक पेन है प्लीज स्किप दिस। और हम एक एक करके पैर को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। पहले राइट पैर को एक्सटेंड, फिर लेफ्ट पैर को एक्सटेंड, ब्रिंग इट बैक, एक्सटेंड द राइट लेग, bring it back, extend the left, bring it back, extend the right, bring it back, left, bring it back, and then extend both if possible, my friends. Hold Navasan, breathe and release.
वेल डन एवरीबडी, कम इनटू बद्ध कोनासन। अपने हाथों को पैरों के अराउंड क्लास्प कर लीजिए और माथे को हम टोस तक लाने की कोशिश करेंगे, पीठ को राउंड करेंगे। बद्ध कोनासन टाइप बी फ्रॉम द अष्टांग प्राइमरी सीरीज। एंड ब्रीथ। आई नो ये थोड़ा चैलेंजिंग फ्लो है। आई थिंक यू कैन चैलेंज योर सेल्फ अ लिटिल बिट। पर कभी भी आपको लगे टायरिंग हो रहा है, प्लीज टेक अ रेस्ट। रिमेंबर द रूल ऑफ अहिंसा। ब्रीथ बटरफ्लाई। इनहेल कम बैक अप। एक्सहेल पैरों को रिलीज करेंगे और अपनी पीठ पर आ जाइए। लाय डाउन। अब पैरों को ऊपर की ओर खोल लीजिए। अगर घुटने स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, नो प्रॉब्लम, कीप अ बेंड इन द नीज। अब हम बहुत धीरे धीरे राइट पैर को नीचे की ओर ले जाएंगे। पेट को अंदर की ओर पुल्ड इन रखिए। पीठ मैट से चिपकी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे नीचे ले जा रहे हैं। एंड देन ब्रिंग इट बैक अप। लेफ्ट पैर नीचे जाएगा। बैक इज फर्मली प्लांटेड ऑन द मैट। वापस ऊपर लेके आएंगे। राइट पैर नीचे जाएगा। With control, bring it back up. Left पैर नीचे जाएगा। Bring it back up. अब इस बार दोनों पैरों को नीचे लेके जाने की कोशिश करेंगे। वहीं तक ले जाएंगे जहां तक पीठ में दर्द ना हो। ब्रिंग इट बैक अप एंड देन हग योर नीज इन। साइड टू साइड रोल करेंगे जस्ट टू मसाज द स्पाइन। अब पैरों को साथ में ले आइए इन अ डायमंड पोज। तो आपके जो पैर हैं वो एक डायमंड की तरह लगेंगे आपको। और अपने पैरों को मैट पर ले आइए। हाथों को साइड में खोलेंगे इन कैक्टस। सो एल्बोज आर बेंड। हाथ ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं। एंड टेक 3 डीप ब्रेथ्स हियर। वेरी नाइस। अब लेफ्ट पैर को आप मैट पर रखिए स्ट्रेट। राइट नी को अंदर की ओर ले आइए। राइट हाथ राइट की ओर खुलेगा। एंड वी विल ब्रिंग द राइट नी टुवर्ड्स द लेफ्ट। सुपाइन ट्विस्ट। दृष्टि राइट की ओर रहेगी। आप ये कर चुके हैं। सुप्त मत्स्येन्द्रासन। And breathe here, release any tension in the back.
वापस सेंटर में आ जाएं। अब लेफ्ट नी को अंदर लाएंगे, राइट पैर मैट पर एक्सटेंडेड है, लेफ्ट हाथ लेफ्ट की ओर खुलेगा और लेफ्ट घुटना राइट की ओर आएगा, दृष्टि हमारी लेफ्ट की ओर रहेगी। गहरी सांस लेंगे, वापस सेंटर में आ जाइए, हग इन योर नी। एंड नाउ वी विल रोल लाइक अ बॉल। तो पैरों को पीछे ले जाएंगे और फिर ऊपर आएंगे, एक बार फिर पैर पीछे जाएंगे, एंड देन यू विल कम अप। इट्स अ लॉट ऑफ फन, गिव इट अ ट्राई। कीप रोलिंग लाइक अ बॉल। लास्ट वन, वेरी नाइस। कम अप टू सीटेड। हम प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे आज बिफोर वी क्लोज द सेशन। तो एक कंफर्टेबल सीटेड पोज में आ जाइए। हम रिंग फिंगर और थम यूज करेंगे टू प्रैक्टिस अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। तो सबसे पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सारी रेजिडुअल एयर छोड़ देंगे और फिर अपनी प्रैक्टिस राइट नॉस्ट्रल से शुरू करेंगे। सो वी विल डू सिंपल 6 इनहेल एंड 6 एक्सहेल। हम होल्ड नहीं करेंगे अभी, सो आई विल गाइड यू, डोंट वरी। आँखों को बंद कर लीजिए और पीठ को एकदम सीधा रखिए। पहले राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रल से सारी रेजिडुअल एयर छोड़ दीजिए। Now inhale from the right nostril. दोनों nostrils को बंद करिए, left को खोल के exhale, inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Inhale left. Exhale right. Inhale right. Exhale left. Keep going. अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ही रखें। Slow, steady breaths. Keep going. आपके inhalations और exhalations में आवाज नहीं आनी चाहिए. Let them be very smooth.
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कंप्लीटली एक्सहेल करेंगे एंड देन वी विल रिलीज. नॉर्मल ब्रीदिंग पर वापस आ जाइए. आंखों को बंद रखेंगे और अपनी सांस के साथ ही रहेंगे. Allow your mind to be empty. इस मोमेंट में कंप्लीटली प्रेजेंट रहेंगे. हाथों को रब करेंगे साथ में, एनर्जाइजिंग ऑल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. आंखों को कवर करिए हाथों से. जेंटली ब्लिंक योर आईज ओपन एंड सेट एन इंटेंशन फॉर योर डे. हम कल मिलेंगे डे 8 के लिए. हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ योर डे. नमस्कार.